जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये इंडिगो कार है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये देखिए, टाटा की इंडिगो कार है। देखिए दोस्तों, टाटा इंडिगो डाइकोर है दोस्तों। इस गाड़ी का प्रॉब्लम है, जैसे ये गाड़ी हमारे पास खींच कर आई है तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है कि इसमें गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं चाबी ऑन हो रही है, ये देखिए ब्रेक लाइट आ रहा है, बैटरी का लाइट भी आ रहा था दोस्तों, बट यहाँ पे जो चेक इंजन लाइट है वो नहीं आ रहा था, और स्टार्ट कर रहे थे तो ऐसे कर रहा था सिर्फ। तो दोस्तों हमने मतलब पूरा वायरिंग इसका चेक किया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये पूरा वायरिंग खोला है, कुछ वायरिंग यहाँ से भी था। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में हमने तो इसको, ये जो ECU है इसको भी थोड़ा सा हमने क्लीन किया, इसका सॉकेट में बहुत कचड़ा था। प्लस ये जो रिले दिख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये ECU का ये रिले है, ये वाला, और ये देखिए दोस्तों, ये ECU का 30 एम्पियर का फ्यूज है दोस्तों। इसमें हमने वायरिंग चेक किया, पर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह से ये वायरिंग गया रहता है। तो कुछ वायरिंग यहाँ पे देखिए दोस्तों डैमेज हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कुछ वायरिंग डैमेज हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों हमने इस सॉकेट को गाड़ी के अंदर से मैंने निकाला हूँ और ये वायरिंग बाहर निकाल दिए हैं दोस्तों। अब इसका हम लोग वायरिंग पहले ओके करके चेक करेंगे कि इसका एक्चुअल में दोस्तों चेक इंजन लाइट क्या इसी वायरिंग की वजह से नहीं आ रहा है कि कुछ और इशू है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं जो वायरिंग है, ये सॉकेट, ये देखिए तीनों वायर इसका भी कट गया था, ये देख सकते हैं आप। हो सकता है इसके वजह से भी जो चेक इंजन लाइट है वो नहीं आ रहा हो, पर दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एक वायर ये भी कटा है, रेड वाइट है, ये देख सकते हैं आप। तो इस वायर को यहाँ पे से देख सकते हैं, ये तीनों वायर यहाँ से कट गया, एक वायर ये है, यहाँ पे है एक वायर, और एक वायर यहीं पर है अंदर ही है दोस्तों, मतलब ये तीसरा वायर यहीं पर है, ये देखिए ये तीनों वायर कट गया दोस्तों। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे अच्छे से, और जोड़ के पूरा पाइपिंग वाइपिंग कर देंगे, उसके बाद हम आपको गाड़ी में दिखाते कि इसका और क्या इशू था दोस्तों। और ये रेड वायर जो यहाँ पे बहुत नीचे से कट गया है यहाँ से, तो इसको भी हम देख सकते हैं दोस्तों। वायरिंग हमने यहाँ पे पाइप लगा के कंप्लीट कर दिया है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वायरिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने वायरिंग इसको कंप्लीट कर दिया है। पर दोस्तों इसका जो अभी भी हम लोग चाबी ऑन किए हैं तो इसका लाइट आ नहीं रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये तीन लाइट तो आ रहा है, यहाँ पर एक लाइट देखिए यहाँ पे आ रहा है, पर दोस्तों इसके ऊपर ठीक एक चेक इंजन लाइट आता है जो कि वो आ नहीं रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर रहता है, तो इसी वजह से दोस्तों ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। इस गाड़ी का हमने ये देखिए, ये टर्बो का जो सेंसर रहता है उसको EGR का वायर, EGR में करंट 12 वोल्ट का आना, जो यहाँ पे 15 एम्पियर फ्यूज लगा रहता है वहीं से आता है दोस्तों। इसका जो फिल्टर देख रहे हैं आप, फिल्टर भी न्यू लगा हुआ है, ये जो आप फ्यूल जो इससे हम लोग पंप मारते हैं वो पंप, और ये देखिए दोस्तों ये पंप एक और जो इलेक्ट्रिक वाला रहता है, इसी से अपना गाड़ी जैसे स्टार्ट करेंगे वहाँ पे EGR वाला जो वायर रहता है प्लस, वहीं से एक करंट इधर भी आया रहता है 12 वोल्ट, जैसे स्टार्ट करते हैं वो पंप स्विच खुल जाता है और स्टार्ट। दोस्तों किसी भी गाड़ी में चेक इंजन जो अगर नहीं आ रहा है तो उसका सीधा सीधा प्रॉब्लम ECM से होता है दोस्तों। ECM से ख़राब रहेगा तो ही चेक इंजन लाइट नहीं आएगा। तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे, मेरे पास ECM पड़ा है तो उसको हम लोग एक बार चेंज करके देख लेंगे पहले कि क्या ECM से ही प्रॉब्लम है इसमें या फिर कुछ और प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इसको हम लोग पहले फाइंड करते हैं कि एक बार ECM इसको रिप्लेस करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर दोस्तों ECM के वजह से ही चेक इंजन लाइट नहीं आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हमने एक ECM ले लिया है, इसको हम लोग फिटिंग करेंगे, इसके अंदर फिटिंग करके चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में ECM से ही इशू है कि कुछ और इशू है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, देख सकते हैं आप दोस्तों। अब दोस्तों इसमें सारा स्क्रू, पहले जैसे आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से फिटिंग कर लेंगे, इसका माइनस वायर और ये जो भी इसका वायरिंग है दोस्तों हमने प्रॉपर चेक किया है दोस्तों, पर वायरिंग से कोई इशू नहीं आ रहा है। अब दोस्तों इसका क्रैंक सेंसर भी हमने खोल के चेक किया, क्रैंक सेंसर भी जितना वोल्टेज बताना चाहिए मीटर में वो सब ओके बता रहा है। पर दोस्तों अब क्या है कि इसको हम लोग लगा के एक बार देख लेते हैं क्या चेक इंजन लाइट आ रहा है। दोस्तों हमने एक ये इसका जो ओरिजिनल मीटर था ये है, और ये मीटर हमने अभी लगाया है, देख सकते हैं, और ये दोस्तों हमने लगाया है, और ये देखिए इसका चेक इंजन लाइट जो है ये अब आने लगा है, देख रहे हैं आप, मतलब इसका जो चेक इंजन चेक का लाइट जो है वो मीटर का ही प्रॉब्लम था, मतलब आप ये देख सकते हैं, देखिए इसमें जबकि नहीं आ रहा था और इसमें देखिए आ रहा है दोस्तों। इस गाड़ी को हमने डैशबोर्ड मीटर लेते हुए इत्तेफाक से हमारे पास एक गाड़ी आ गई थी, इसीलिए हमने चेक कर लिया तो पता चल गया कि इसका इशू मीटर से ही है। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब कभी होता नहीं, रेयरली केस में होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये गाड़ी अभी भी मेरे पास है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस गाड़ी का प्रॉब्लम क्या हो सकता है। यह गाड़ी मेरे से
चालू हो पाएगी या नहीं दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ी में मैकेनिक कम से कम 10 से 12 मैकेनिक लग चुके हैं दोस्तों, और तब जाके हमारे पास ये गाड़ी आई है। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। दोस्तों अगर आप मैकेनिक हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस गाड़ी का प्रॉब्लम क्या हो सकता है एक्चुअल में, कि गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा दोस्तों। इसका क्रैंक सेंसर पे करंट भी आ रहा है, मतलब -12 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, जैसे कि इतना आना नहीं चाहिए। तो क्या ECM से इशू हो सकता है या क्रैंक सेंसर से? अगर आप मैकेनिक हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर करें दोस्तों। और क्या ये हम गाड़ी स्टार्ट कर पाएंगे, तो हमारे वीडियो बने रहे दोस्तों। इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही लाऊँगा आपको कम्प्लीट कर गाड़ी को।